हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न फ्रेंड्स। ये जो है एक डिज़ाइनर नेटेड बॉर्डर है, तो ये इसकी बैक साइड है फ्रेंड्स, और ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप इसे किसी भी कार्डिगन स्वेटर पे डाल सकते हैं। मल्टीपल चाहिए होगा, 4 का प्लस 2 एज स्टिचेस, और टोटल ये 4 रोज का ही पैटर्न है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 22 स्टिचेस लिए हैं, 4 के मल्टीपल में प्लस 2 एज स्टिचेस हैं। रो वन में पहले फंदे को देखिए, हम ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, 2 एंड 3rd जो तीसरा फंदा है, इसको इन दोनों के ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे। आगे वाले दो फंदों के ऊपर से ऐसे तीसरे फंदे को नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर आप इस फंदे को एक सीधा, फिर इधर एक जाली डालेंगे ऐसे, और एक सीधा और बनाएंगे। तो ये रिपीट पैटर्न चलेगा, एक उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, तीसरे फंदे को दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करना है ऐसे, फिर ये पहला फंदा सीधा, फिर एक जाली ऐसे, धागा अपनी तरफ करके आप जाली डालेंगे और एक सीधा बनाएंगे। तो ये रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, 4 फंदों का रिपीट है, एक उल्टा और ये 3 फंदे। फिर देखेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदों के ऊपर से तीसरे फंदे को ड्रॉप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा। तो ये 3 फंदे वापस पूरे हो गए। फिर उल्टा, फिर 2 के ऊपर से एक को ड्रॉप, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और एक सीधा। तो आपको फ्रेंड्स यही पैटर्न फॉलो करना है पूरे एंड तक। आप ऐसे ही करेंगे, आपके जितने भी स्टिचेस आपने डाले हैं। और ये लास्ट का एक स्टिच सीधा ले लेंगे। अब आती है फ्रेंड्स रॉन्ग साइड, रो नंबर 2। पहले फंदे को उल्टा ही स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे, जो जाली डाली है उसे भी उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो ये एक फंदा हमने वहाँ से पीछे से उल्टा बनाया, इस तरफ वो सीधा होगा, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा आएगा, जो पहले इस तरफ सीधा है उसे सीधा ही रखेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। यही रिपीट चलेगा पूरी रॉन्ग साइड में। तो आप इसी तरह से अपनी पूरी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट का एक स्टिच उल्टा, कुछ इस तरह से ये भी आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग में। अब आती है रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 में पहले फंदे को तो हम सीधा ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, और 3 फंदे सीधे बनाएंगे अब। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपीट चलेगा, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और 3 फंदे सीधे। यही रिपीट चलेगा एंड तक। लास्ट का स्टिच सीधा ही आएगा। अब आती है लास्ट रो, रो नंबर 4, रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर पहले फंदे को तो हमने उल्टा ही बनाना है, फिर उसके बाद 3 फंदे उल्टे आएंगे, और जो सीधा फंदा है देखिए ये वाला, आपको एक लाइन दिख जाएगी, इसे सीधा ही बनाना है, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे,
धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। तो यही रिपीट आपने पूरी उल्टी तरफ कर लेनी है फ्रेंड्स, पूरे रॉन्ग साइड पे यही आपका रिपीट चलेगा रो नंबर 4 पे। लास्ट का स्टिच उल्टा ही ले लेंगे। तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा एक बॉक्स बन के रेडी है। अब आपको आगे के लिए रो नंबर 1 से 4 तक ही रिपीट करते रहना है, तो ये पैटर्न आपका बिल्डअप होता रहेगा। तो ये देखेंगे आप, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा मल्टीपल नंबर ऑफ रिपीट के बाद। यहाँ पे 4 बार मैंने रिपीट कर लिया है ये 1 to 4 रोज को, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा बॉर्डर पे। आप इसे किसी भी कार्डिगन स्वेटर पे डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हैं आप इसे, एज पूरी होल स्वेटर पे एक डिज़ाइन के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही प्रिटी लगता है फ्रेंड्स। इस तरह के और भी पैटर्न सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। Thank you. Thank you for watching.